Good morning. I'm Professor Loda. And this is my third video in series 10th or 12th ke baad engineering mein kaise hum college aur branch ko selection kare diploma ya degree course select kare usi series mein mera ye third video hai. Aaj main discuss karne ja raha hu ki branch selection kaise kare diploma ho ya degree 10th ke baad jo branch selection karte hain diploma ke liye ya degree mein 12th के बाद जाते हैं या डिप्लोमा भी में भी कई बार 12th के बाद एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ब्रांच सिलेक्शन का बहुत एक बड़ा झंझट रहता है. इसमें दो मुद्दे आते हैं कि इतना सारी कॉलेजेस हैं तो प्लेस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है. कोई बच्चा अहमदाबाद का रहने वाला है तो अहमदाबाद में ही कॉलेज ढूंढ रहा है, वो बड़ौदा या सूरत जाने से कतराता है, या से राजकोट या दूसरी जगह जाने से कतराता है. दिल्ली वाला दिल्ली में रहना चाहता है, जयपुर नहीं जाना चाहता, आगरा नहीं जाना चाहता. तो ये बार कई बार प्लेस मायने रखता है. तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शन हो तो अलग बात है, अदरवाइज आप अपने इंटरेस्ट की ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ब्रांचेस में मैं पहले ब्रांचेस के बारे में डिस्कस कर लूँ, फिर प्लेस आप अपने आप से कितना कन्फ्लिक्टिंग है ये आप अपने व्यूज से पता कर सकते हो. एक्चुअली ब्रांचेस को शुरुआत से मेरा 25 इयर्स में मैंने देखा है जो कि ब्रांचेस कोर ब्रांचेस इम्पोर्टेंट थी आज से 2-3 डेकेड्स पहले, 4 डेकेड्स पहले जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था या अर्बनाइजेशन हुआ था तो कोर ब्रांचेस थी जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस थी, बच्चे उसी में जाते थे. सॉफ्ट कंप्यूटिंग या कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ब्रांचेस नहीं थी इतनी. इनका जो सॉफ्ट ब्रांचेस है कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेस 90s में ही आई जब कंप्यूटिंग फैसिलिटी इंटरनेट और कंप्यूटर्स का मेजर यूटिलाइजेशन होने लगा, मेजर प्रोडक्शन होने लगा, साइज अच्छा आने लगा कि आप लेबोरेटरी में बहुत सारे कंप्यूटर रख सकते हैं, स्टूडेंट पढ़ सकते हैं. तो उस 90s टुवर्ड्स द एंड ऑफ 90s ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग ब्रांचेस चालू हो गई. तो ये इनका स्टूडेंट्स अभी जो सीन आ रहा है, जब 90s था और फर्स्ट डेकेड ऑफ दिस 21st century एंड नाउ वी आर टुवर्ड्स द थर्ड स्टार्टिंग ऑफ थर्ड डेकेड ऑफ 21st century, तो इसमें जो ब्रांचेस का सॉफ्ट और हार्ड का था वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है. जो लाइन खींची हुई वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है. तो ये था कि सिविल इंजीनियरिंग है तो केवल हार्ड एग्जीक्यूशन जो प्रोजेक्ट्स हैं, डैम बनाना है, हाईवेज कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है उसको सड़क बनाने में खड़ा ही रहना पड़ेगा. ये एग्जीक्यूशन पार्ट है जो मोस्टली डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए लागू पड़ता है. जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एग्जीक्यूशन का काम ज़्यादा मिलता है और वो एक्सपर्ट भी होते हैं और उनकी स्किल्स भी ऐसी हॉन की जाती है कि बच्चे एग्जीक्यूट अच्छा कर पाए. डिग्री साइड के बच्चे भी एग्जीक्यूशन में रहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रहते हैं, ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. 60-70-80% स्टूडेंट नाउ एडेज आर इन टू एनालिसिस एंड डिज़ाइन. एनालिसिस इसलिए बोल रहा हूँ कि डेटा कैप्चरिंग जो है प्रोजेक्ट्स का वो इतना बढ़ गया है कि आप जब भी कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो तो 50% प्रोजेक्ट तो ऑफिस में पूरा हो जाता है, जो पहले क्या है फील्ड में जाके देखना पड़ता था कि ऐसे ही हो रहा है. फॉर द सेक ऑफ लाइक सर्वेइंग, सर्वेइंग का पार्ट इतना बड़ा था किसी भी प्रोजेक्ट में, डैम में, कि हम इंस्ट्रूमेंट लेके सिविल इंजीनियर्स को भेजते थे और वहाँ कैप्चर करते थे. अभी क्या हुआ, कैप्चर हो जाता है सेटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन और वो सारी इंफॉर्मेशन एनालिसिस कहाँ होता है, ऑफिस में बैठ के होता है. तो मैं ये आपको बताऊँ कि जो इंजीनियरिंग का जो मेजर चंक है वो ऑफिस में ही हो जाता है और सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल होता है. अभी बात रही कि कैसे, जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है या स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, ये सारे इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारे पास इनॉर्मस डेटा कैप्चरिंग हो रहा है हर चीज़ का. आप क्रॉप्स का लें, आप हाईवेज़ का लें, आप वाटर सप्लाईज़ का लें, आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का लें, आप इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स का लें, ये सारा डेटा डिजिटाइज्ड है, सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है. तो इनका एक एनालिसिस करके हम
प्रोजेक्ट या जो भी हम जिसमें भी काम कर रहे हैं कंपनी में, तो मोस्टली काम जो है इनका एनालिसिस का है। तो ये नहीं है कि केवल आईटी की ब्रांचेस एनालिसिस कर रही है या कंप्यूटर ब्रांच एनालिसिस कर रही है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इवन एक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का स्टूडेंट को भी फील्ड में जाना पड़ सकता है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ सकता है। ईसी के स्टूडेंट्स को हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट में जाना पड़े, फैक्ट्रीज में जाना पड़े। हो सकता है सिविल इंजीनियर केवल ऑफिस में बैठ के एज ए सॉफ्ट कंप्यूटिंग इंजीनियर काम कर रहा हो। तो वैल्यू किसकी है? नॉलेज की है। तो सिलेक्शन में आप ऐसा मत सोचिए कि ये हार्ड कोर ब्रांचेज है। आने वाले 3-4 सालों में 5 सालों में सारी ब्रांचेस का एक मेजर पार्ट है वो सॉफ्ट कंप्यूटिंग ही रहेगा, जिसमें डेटा कैप्चर होगा, एनालिसिस होगा, डिज़ाइन होगा। डिप्लोमा लेवल पे मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि एग्जीक्यूशन पार्ट इन हार्ड कोर ब्रांचेज में ज़्यादा रहता है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिग्री इंजीनियरिंग में आपकी चॉइस है कि आप कौन सा इंजीनियरिंग का पार्ट कर रहे हैं। तो सिलेक्शन में आप ध्यान रखिए कि आपका जिस में इंटरेस्ट है, आपको कंस्ट्रक्शन क्रिएशन में इंटरेस्ट है तो सिविल लीजिए, आपको इंडस्ट्रियल या जो मैकेनिकल पार्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एरियाज हैं उनमें इंटरेस्ट है तो आप उस ओर जाइए। इलेक्ट्रिकल में, ग्रिड में, एसी साइंस में इंटरेस्ट है 11th 12th में, ज़्यादा आप उस तरफ इंक्लाइंड हैं तो आप इलेक्ट्रिकल लीजिए। आपको चाहिए कि आप सॉफ्ट बिल्कुल ही आईटी से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड एल्गोरिदम्स में इंटरेस्टेड हैं आप, लैंग्वेजेस में जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उसमें चाहिए। तो केवल ऐसे मत सोचिए कि हार्ड कोर इंजीनियरिंग ये है, सॉफ्ट वो है। नो, आज ऐसा रहा नहीं है। दूसरी बात रही आपकी कि प्लेसमेंट किसके अच्छे हैं। प्लेसमेंट उसी के अच्छे हैं जिनकी इंजीनियरिंग में 4 साल का कोर्स करने के बाद स्किल्स जो हैं टॉप पे, टॉप 20% में जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी हमेशा ही वैल्यू बनी रहती है, वो उनका अच्छा रहता है। जो 4 साल में पढ़ाया जाता है उसके अलावा भी आपको स्किल्स होन करनी पड़ती हैं, आपको एडिशनल स्किल सेट्स बिल्ड करने पड़ते हैं। तो आप इंटर्नशिप करिए, 4-4 वीक की 2 इंटर्नशिप 4 साल में हो जानी चाहिए या 8 वीक्स की 1 कंप्लीट इंटर्नशिप होनी चाहिए। इंटर्नशिप इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप गए हों कंपनी में, आपने देखा है, आपने एनालाइज़ किया है, आपने कुछ अपना मॉड्यूल दिया है, आपने कुछ सजेशंस दिए हैं और वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए। आप एडिशनल कोर्सेज करिए, ये कोर्सेज आपको जो जिस एरिया में जाना चाहते हो, ब्रांच मान लो आप मैकेनिकल में हैं और आप स्विच ओवर होना चाहते हो सॉफ्ट कंप्यूटिंग में, तो आप ऐसे सॉफ्ट कंप्यूटिंग ऑनलाइन कोर्सेज करिए, सेलेक्ट करिए ऐसे कोर्सेज और 2-3 कोर्स कर डालिए। मूक कोर्सेज हैं हमारे, NPTEL के हैं, AICT के बहुत सारे कोर्स जो ऑनलाइन हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। थोड़े कुछ एक कोर्स की कॉस्ट भी देनी पड़ती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं और मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए। तो ब्रांच सिलेक्शन का मैं फिर से आपको एक बार नटसेल में बता दूं कि ब्रांच केवल और केवल आपकी इनर जो बोल रहा है, जो आपका अंदर का सोल बोल रहा है कि कहाँ आप जा सकते हो, कहाँ जाना चाहिए, किस फील्ड में आप बेस्ट दे सकते हो, ऐसा फील्ड सेलेक्ट करिए। नहीं कि आप ये सेलेक्ट करिए ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, वहाँ ज़्यादा काम है या कम काम है। काम कुछ नहीं है, आपका इनोवेटिव माइंड जो है ना वो ही आपको एक सक्सेस की सीढ़ी पे लेके जा सकता है, और वो होगा जब आप मन वाली ब्रांच का सिलेक्शन करेंगे। तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, मन वाली ब्रांच हो सकती है आपकी 2-3 हो, और आपका अभी मैं आपको वापस प्लेस के बारे में आ जाता हूँ, 2-3 मन के ऐसे प्लेसेस हों जहाँ आप जाना चाहते हो। तो इसमें एक में कभी थोड़ा सा एक ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ करिए, एक प्लेस में कॉम्प्रोमाइज़ करिए, यदि दोनों बेस्ट मिल जाता है तो बेटर, नहीं तो सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, ऐसे करके आप एक मैट्रिक्स बना के ब्रांच का सिलेक्शन करिए और प्लेस का सिलेक्शन करिए, कॉलेज का सिलेक्शन करिए, IIT सिलेक्शन करिए, NIT सिलेक्शन करिए, स्टेट लेवल के कॉलेजेस करिए, जो करना है करें, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस मत रखिए कि इसमें ज़्यादा कमाइए, उसमें ज़्यादा कमाइए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कम काम करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा, ये व्यूज़ मेरे पर्सनल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।